तो यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया, पहले ये बताओ। वो जो रूल मैंने बताया था, इंटरफेस के मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, न कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इम्प्लिसिटली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों मेथड बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनता है। ये जो शो डिस्प्ले जो अभी हाईलाइटेड है, ये दोनों नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है। और पूछो, ठीक है, और बताइए, और क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन देखिए, एक इंटरफेस है जिसका नाम है आई वन, मेथड का नाम है शो। मेरी क्लास जो है इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, इसे हटा देते हैं। क्या इंटरफेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं? और मैं बना के दिखा दूंगा, आप मैं आपको बना के दिखाता हूं इंटरफेस के ऑब्जेक्ट। न्यू आई लो, बना दिया ऑब्जेक्ट आई वन लिख दूंगा, क्या चिंता कर रहे हो। इंटरफेस के ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन देखो ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बना दिया इंटरफेस का, न्यू आई वन लिख दिया। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? मैंने क्या करा, इंटरफेस का बना दिया ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे से जावा पढ़ के गए हो और इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछा इंटरफेस के तो ऑब्जेक्ट बनते नहीं है, तो आपने कहा हाँ, फिर उसने ये लाइन दिखा दिया करके, देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है इंटरफेस का। तो ये जो लाइन लिखा है न्यू आई वन करके, उससे ये बोलो कि सर एक काम करो, ये नीचे वाला हटाओ, ये जो लगाया आपने इसे हटाओ, और फिर यहां से सेमी कॉलन लगा के दिखाओ। अगर सर ऑब्जेक्ट तो सही ऐसे ही बनता है, अगर ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो तो ये देखिए अब आ गया एरर। सो वो ऑब्जेक्ट था ही नहीं जो ऐसे बना हुआ था, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा कहीं लिखा हो, कहीं पे भी दिख जाए, जैसे जनरली ये थ्रेड में दिखता है, लिसनर में दिखता है, न्यू रनेबल, न्यू एक्शन लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, न्यू करके उसके बाद इंटरफेस का नाम लिखा हो, सो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? इससे समझ में ये आता है कि ये जो I1 है ये इंटरफेस है, फिर ये क्या है यहां से यहां तक, ये है एक क्लास। आपने कहा कौन सी क्लास, क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम कुछ है ही नहीं, तो फिर क्लास का नाम कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं होता है, बेनाम होता है, जो बेनाम होता है उसको इंग्लिश में एनोनिमस बोलते हैं। और ये क्लास चूंकि इस क्लास के अंदर है इसलिए वो नेस्टेड है, तो इस कंसेप्ट का नाम है एनोनिमस नेस्टेड क्लास। ये जो आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग क्लोजिंग, और वहां पे सेमी कॉलन लगाया है, ये एक एनोनिमस नेस्टेड क्लास है। फिर आपने कहा अगर ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास है तो नेस्टेड क्लास क्या होती है? नेस्टेड क्लास का सेशन मतलब आपको अलग से मुझे लेना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा नेस्टेड क्लास क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या जरूरत पड़ती है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास, एनोनिमस नेस्टेड क्लास, मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्लासेस होती हैं, और उसमें से एक एनोनिमस नेस्टेड क्लास होती है। एनोनिमस नेस्टेड क्लास को लिखने का तरीका यही है, कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग क्लोजिंग, सेमी कॉलन, और कहने के लिए एनोनिमस है, कंपाइलर कुछ ना कुछ इसका नाम एक प्रोवाइड कराता है, पेरेंट क्लास का नाम, डॉलर चाइल्ड क्लास का नाम, ऐसे करके प्रोवाइड कराता है। और एनोनिमस नेस्टेड क्लास का रूल होता है कि इसके लिए इसका एक पेरेंट होना जरूरी है, या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट बना दो या कोई इंटरफेस पेरेंट बना दो। तो उसके साथ आई वन क्या लिखा गया है, आई वन का मतलब है कि ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास का पेरेंट है इंटरफेस, या आई वन मतलब ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास इस इंटरफेस के थ्रू डराइव करा गया है, उसके थ्रू बनाया गया है। ये कंसेप्ट है काइंड ऑफ। और न्यू क्यों लिखा गया है, एनोनिमस नेस्टेड क्लास को बनाने के लिए रूल होता है कि जब उसे डिक्लेयर करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसका, तो न्यू उसी एनोनिमस नेस्टेड क्लास के लिए लिखा गया है। तो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, एनोनिमस नेस्टेड क्लास का। फिर आई वन क्या है, आई वन उसका पेरेंट है, क्योंकि हर एनोनिमस नेस्टेड क्लास का पेरेंट होना चाहिए, उसका पेरेंट है ये बता रहा है कि इसी एनोनिमस नेस्टेड क्लास से ये बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनी होगी वो कहने के लिए एनोनिमस है, नाम तो होगा कुछ ना कुछ इंटरनली, क्योंकि बाइट कोड तो बनेगा, आप देख लो
देखो क्या क्या बाइट कोड बनाया सिस्टम में, ये देखो ये है एनोनिमस क्लास, टेस्ट डॉलर वन, टेस्ट डॉलर वन, पेरेंट डॉलर, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे बंदा चला जाएगा, कहने के लिए एनोनिमस है। और एनोनिमस रजिस्टर क्लास जो बनी है वो किसको इंप्लीमेंट कर रही है इस टाइम पे, I1 इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, और ये रूल होता है कि करना ही पड़ता है, मतलब अब जरूरी है, मैंडेटरी है, बिना एनोनिमस रजिस्टर क्लास बनाओगे तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होगा, उसका पेरेंट इंटरफेस बनाना होगा, कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई इंटरफेस, एक पेरेंट होना जरूरी है कि वो किस पेरेंट से बिलोंग कर रहा है। यहां पे वो एनोनिमस रजिस्टर क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये शो नाम का एक मेथड है जो कि इंटरफेस में है, ठीक है। मैं चाहता हूं किसी को भी, किसी को ये फोर्स करूं कि मेरा मेथड ओवरराइड करो, ध्यान से मेरे क्वेश्चन समझिएगा, मैं चाहता हूं मैं किसी डेवलपर को फोर्स करूं कि मेरा मेथड ओवरराइड करो, इंटरफेस का मेथड ओवरराइड करो, और इंप्लीमेंट भी नहीं कराना। और क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अभी तक क्या हो रहा था, कोई क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती थी तो मेथड ओवरराइड करने पड़ते थे। अब मैं आपसे अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी नहीं कराना और किसी प्रोग्रामर को फोर्स कराना है कि वो मेथड ओवरराइड करे ही करे, इंटरफेस का मेथड ओवरराइड करे, तो आप क्या करिएगा, एक एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनाइए जो कि उस इंटरफेस टाइप का हो, उस पेरेंट टाइप का हो। बस देखिए यहाँ पे बना हुआ है आपके सामने, अब यहाँ पे ये फोर्स करेगा, क्या फोर्स करेगा, कंपाइलर फोर्स करेगा प्रोग्रामर को, क्या फोर्स करेगा, एनोनिमस क्लास टेस्ट डॉलर वन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मतलब एनोनिमस नेस्टेड क्लास जो बनाई गई है उस क्लास के लिए आप इस मेथड को यहीं पे ओवरराइड करिए ही करिए, दैट इज मैंडेटरी, नो ऑप्शन, मैंडेटरी, और वो भी पब्लिक बना के ओवरराइड करिए। लीजिए मैंने फोर्स कर दिया, कंपाइल हो गया, फोर्स कर दिया, मतलब किसी इंटरफेस को बिना इंप्लीमेंट करे उसके मेथड को ओवरराइड करने का फैसिलिटी एनोनिमस टेस्टेड क्लास। और फिर इसको आप उसके इंटरफेस टाइप में ही होल्ड करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इज इक्वल्स टू I1 या I, और यहां पे लिख दीजिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बस यहां पे मैसेज देता हूं मैं शो शो, यहां पे मैसेज देता हूं, और बस यहां से हमें क्या करना होगा, यहां से लिख देना होगा आई डॉट शो, कंपाइल किया, शो यहां पे एक्सपेक्टेड है, आई नहीं है बेसिकली I1 है, तो I1 टाइप का हमें पेरेंट रखना पड़ेगा, तो यहां से कंपाइल हो गया, शो एक्सपेक्टेड है, अगेन सेव नहीं हुआ मुझे लग रहा है, शो I1 डॉट शो, I1 टाइप का वेरिएबल बना दिया, शो इसके अंदर मेथड है, बिल्कुल अब कंपाइल करेंगे हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड बता रहा है ये, सो मेथड यहाँ पे नहीं कॉल हो पा रहा है, एक काम कर लेते हैं इसको यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना, वो उस लोकेशन पे अलाउड नहीं कर रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जावा एंड टेस्ट, तो देखिए आप इंटरफेस को मैंने इंप्लीमेंट भी नहीं करा और उसके मेथड को ओवरराइड करने का हमने एक कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर को दे दिया। तो कई बार जावा में ऐसे बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे आपको ऐसा कंसेप्ट मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है एनोनिमस रजिस्टर क्लास का, और उसके बगल में जो I1 लिखा है वो उसका पेरेंट है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए इसी रिस्पेक्ट में मेरा एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यूअर पूछ लेता है आपसे, वो पूछ लेता हूं। मान लीजिए कि इंटरफेस के पास मेथड हो ही नहीं डिक्लेयर्ड, बट किसी क्लास के पास यहां पे डेफिनेशन हो, समझिएगा क्वेश्चन क्या है, क्लास क्या कर रही है इंटरफेस को, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, क्लास ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया, बोलो
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है बेसिकली कि मान लीजिए एक इंटरफेस और एक क्लास, क्लास ने इंटरफेस को कर दिया इंप्लीमेंट, क्लास ने इंटरफेस को कर दिया इंप्लीमेंट, और यहां पे ये जो मेथड है, यहां पे सपोज करो चाइल्ड क्लास में कोई मेथड भी हो सकता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं कभी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं और इंटरफेस का रेफरेंस रख लेता हूं, ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल कंपाइल कर दिया, हो गया। नहीं, इंटरफेस डुप्लीकेट यहां पे कहीं बता रहा है, इंटरफेस आई वन है ना, चलो आई कर लेते, या आई वन यहां पे नीचे आई वन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कंपाइल कर दिया, बिल्कुल हो गया, परफेक्ट कंपाइल। अब इंटरफेस के रेफरेंस पे जरा मेथड चलाते हैं, यहां से आई डॉट सो, बताइए मेथड चलेगा या नहीं चलेगा? ये मेथड चलेगा? चलेगा। इंटरफेस के रेफरेंस, पेरेंट के रेफरेंस से, पेरेंट चाइल्ड के पर्सनल चीजें कभी भी कॉल नहीं होती है, एरर है, कंपाइल टाइम एरर है ना। पर्सनल मेथड ऑफ चाइल्ड कैन नॉट बी कॉल्ड ऑन द पेरेंट रेफरेंस, सही बात है, बट ये बात यहां पे रॉन्ग हो जाता है जब मैं लिख देता हूं आई डॉट टू स्ट्रिंग, यहां पे रॉन्ग हो जाता है। और जैसे मैं कंपाइल करूंगा, ये ले लिया, ये तो ले लिया भाई, मैंने टू स्ट्रिंग मेथड चलाया, ना इंटरफेस में है ना क्लास में है, फिर भी ऑब्जेक्ट क्लास में है, ऑब्जेक्ट क्लास में है। अच्छा, ये टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में है। अच्छा चलो, मान लिया आपकी बात सही है, आप सही भी बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, तो ऑब्जेक्ट क्लास का यहां इंटरफेस से क्या रिलेशन? भाई टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, और टू स्ट्रिंग मेथड की डेफिनेशन यहां पे तो आ रहा होगा, लेकिन क्या कोई इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी? भाई कोई इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड करती है? लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर आखिर ये मेथड चल कैसे रहा है? जादू हो रहा है, ये रूल तो ब्रेक हो रहा है। टू स्ट्रिंग मेथड तो ऑब्जेक्ट क्लास का है, किसी पेरेंट क्लास का मेथड, मतलब किसी ऐसे अदर क्लास का मेथड इंटरफेस के रेफरेंस पे कॉल हो रहा है, और इंटरफेस में मेथड दिख भी नहीं रहा है, तो इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइलर क्या करता है, हर इंटरफेस में ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड उठा के डाल देता है, डिक्लेरेशन डाल देता है उनका, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट नहीं होता है, उनकी मेथड की डिक्लेरेशन उसके अंदर डाल दी जाती है, डिक्लेयर कर दिए जाते हैं सारे मेथड, ताकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करा जा सके। तो ये चीज बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि हर इंटरफेस में ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड की डिक्लेरेशन होती है। यहाँ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, तो टू स्ट्रिंग के मेथड कॉल हो पाएंगे बस, यहाँ आई डॉट वेट, आई डॉट नोटिफाई, नोटिफाई ऑल वगैरह वगैरह, ये मेथड कॉल हो पाएंगे, बाकी कोई मेथड नहीं कॉल हो पाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड की डिक्लेरेशन और किसके अंदर कंपाइल टाइम पे पहुंचा दी जाती है, हर इंटरफेस के अंदर, तो इसलिए बेसिकली चल जा रहा है। अभी देखिए इंटरफेस है आई वन, एक मेथड है शो, एक मेथड टू स्ट्रिंग, मेरी क्लास ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, ना ही मेथड ओवरराइड किया और ना ही एब्सेंट बनाया। यहां पे देखिए टेस्ट इज नॉट एब्सेंट, डज नॉट ओवरराइड द एब्सेंट मेथड, एब्सेंट मेथड है शो वाइड शो, पब्लिक वाइड शो, पब्लिक वाइड शो, जी हमारी क्लास जो है इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है ना। हेलो हेलो, हमारी क्लास जो है इंटरफेस को कर रही है इंप्लीमेंट, और उसने एक मेथड को ओवरराइड करा, दूसरे को ओवरराइड नहीं करा, और ना ही एब्स्ट्रैक्ट बनाया, और ना ही कोई पेरेंट क्लास है जो मैं इनहेरिट कर रहा हूं, यहां पे जादू हो रहा है। दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। भाई एक मेथड तो ओवरराइड कर दिया शो, दूसरा तो इनहेरिट किया नहीं, और अपनी क्लास को एब्सेंट भी नहीं बनाया। कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ते हैं, वो भी नहीं किया, फिर भी चल रहा है प्रोग्राम।
तो इसका आंसर सिंपल सा है, जावा में हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी और ऑब्जेक्ट क्लास से टू स्ट्रिंग की डेफिनेशन टेस्ट क्लास में पहुंच जा रही है। बस भाई ऑब्जेक्ट क्लास टेस्ट क्लास तो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रही होगी ना, तो टू स्ट्रिंग की डेफिनेशन कहां से मिल जा रही है, इसे ऑब्जेक्ट क्लास से मिल जा रही है जो इनविजिबल आपके लिए दिख नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारी इफ एंड बट है, आपको लग रहा है उप्स बहुत आसान सा चीज होता है, नहीं। अभी भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लोगे, हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊं, ऐसे भी चीजें हैं, उप्स में इतना दम होता है। बस वो नहीं है इंप्लीमेंट से लिख दो हो गया, ओवरराइड हो गई, दिमाग लगाना पड़ता है कि ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है। खत्म भाई खत्म।